हेलो स्टूडेंट, आई एम मेघ सिंह, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो 11th क्लास का है, मदर्स डे, उसके बारे में। उसके हमने लगभग बेटा हमने उसकी 3 वीडियो कवर कर लिए। अगर आपने वो नहीं देखी पहले, आप वो देख लें। ये जो ड्रामा है, एक शॉर्ट ड्रामा है, लेकिन फिर भी काफ़ी लेंथी कंपेयर टू अदर चैप्टर्स, लेकिन इंटरेस्टिंग है। एक कॉमेडी है ना। और शुरू करते हैं, तो इससे पहले शुरू करें तो एक चीज़ और जान लो बच्चे, अगर जब आप वीडियो देखते हो, वीडियो देखने के बाद आपने टेक्स्ट पढ़ना है, बुक लेनी है अपनी स्नैपशॉट की, और फिर ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। फिर तुम्हें जो भी आपके जो टफ वर्ड है उनको देखना है, और फिर भी दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हो टफ वर्ड का मीन्स क्या है। तो हुआ ये, जो पियर्सन है और जो एनी है, जो जॉर्ज है, आपस में बात कर रहे हैं। अब आगे स्टोरी बढ़ती है, तो एनी कहती है कि जॉर्ज, तुम्हें ना जो क्लब में, जो तुम्हारे क्लब है उसमें तुम्हारे लोग मजाक करते हैं, तुमसे कहते हैं कि पॉम्पी ओम्पी, ऐसे कहते हैं कि आ गया पियर्सन, इससे मजाक करो, ऐसे मतलब उसका मजाक बनाती है। तो वो कहता है कि जॉर्ज कभी नहीं करते ऐसा, तो द नेवर, ऐसा कभी नहीं होता है। पियर्सन बोलती है कि देखो, मैंने देखा है कि वो लोग तुम पे हंसते हैं और तुम्हारा वो नाम बुलाते हैं, नाम जैसे ना गाली वाली देना होता है, तुम्हें नाम बुलाते हैं, जैसे तुम्हारी जैसे कोई, जैसे ना मान लो किसी का रियल नेम है, उसकी जगह कोई और बोले उसे, उसे कहते हैं नाम बुलाना, किसी का नाम बिगाड़ना, है ना। और वो कहती है कि तुम अपनी वाइफ को घर छोड़ जाते हो और अपनी वैसे ही तुम क्लब जाते हो, तुम्हारी वहाँ कोई वैल्यू भी नहीं है, है ना, तुम कितने ऐसे करके, है ना, ऐसे बोलती है। अब जो साइरल है, उसका बेटा, उसका जॉर्ज का, वो एंटर करता है। उसके हाथ में एक ग्लास है मिल्क का, और एक हाथ में एक बड़ा सा स्लाइस है किसका, केक का। अब जो जॉर्ज है वो उसकी ओर मुड़ता है, उसे कहता है कि सरल, देखो तुम मेरे साथ में कई बार क्लब में रहे हो ना, तो पता है कि वो लोग नहीं हंसते मुझ पर, मेरा मजाक नहीं बनाते हैं, ऐसे बोलता है, मुझे पॉम्पी ओम्पी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं क्या। अब जो सरल है, बच्चा है, जो बेटा है उसका, वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है और थोड़ा सा ठीक है, फिर कहता है वो, अब जो जो जॉर्ज वो गुस्से में होता है, वो कहता है कि मुझे बताओ क्या वो कहते हैं। तब सैल क्या कहता है, वो थोड़ा, वो कहता है कि हाँ डैडी, वो कहते हैं, मुझे डर है कि वो आप सिर्फ कहते हैं, वो आपको पॉम्पी ओम्पी कहते हैं। अब जो जॉर्ज है वो धीरे से वो क्या करता है, आगे चलता है। अब जॉर्ज कहता है कि क्या ऐसे करके, मतलब गुस्से में ऐसे बोलता है ना। तो जॉर्ज अब लेफ्ट की ओर एग्जिट करता है, निकल जाता है ना। और अब जो सैरल है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, और सैरल अब क्या कह रहा है, वो अपनी मॉम से कह रहा है कि मॉम, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये सही बात नहीं है, ये फेयर नहीं है, है ना, तुमने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है और तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है, ऐसे बोलता है वो, मॉम गलत बात है तुम्हारी, ऐसे बोलता है। अब पियर्सन बोलती है कि भाई बेटा सही है, कभी कभी क्या है, किसी की फीलिंग्स भी हर्ट होनी चाहिए, सही रहता है ये, सच का जान, सच तो सामने आता है, ऐसे बोलता है, सच तो सामने आना चाहिए ना। और ये कहती है कि यदि मान लो तुम्हारे फादर वहाँ नहीं जाते, क्लब नहीं आते, तो ऐसा नहीं होता ना, वो लोग क्यों हंसते हैं, है ना। तो सैल कहता है कि हाँ ये तो है, उसे डाउट, मुझे डाउट, ऐसे बोलता है वो। अब जो पियर्सन बोलती है कि हाँ ऐसा ही है, ठीक है। तो आगे क्या होता है कि सैल कहता है, अच्छा क्या होगा यदि मान लो कि मैं अपने आप को इन्जॉय करने के लिए जाऊँ, है। तो वो कहती है कि हाँ, ऐसे बोलती है कि जाओ अपने आप को इन्जॉय करो, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो वैसे तुम, है ना, ऐसे बोलती है वो। तो सर कहता है कि ठीक है, वो कहता है कि हाँ मैं जाऊँगा, ऐसे कहती कौन जाएगा, वो कहती मैं जाऊँगा। तो सर क्या कहता है, जल्दी वो लेफ्ट की ओर मुड़ता है। अब क्या होता है, जैसे वो इंटर करता है, लेफ्ट इंटर करता है, तो जो डूर है ना, उसकी ओर मुड़ता है, है ना, डूर पे कुछ आवाज़ आती है, मतलब जैसे नॉकिंग होती है। तो वो कहता है कौन है डोर पे, ऐसे कहता है। तो ऐसे कहता है कि कौन मूर्ख है डोर पे। तो उसकी मॉम कहती है, उसे तेज बोलती है कि तुम्हें ना जाओ और उसे पूछो कौन है, और उनसे कह दो कि अंदर आ जाए, और उनको श्रीमत बोलो, वो फिट्ज़गेरल्ड हैं, वो हमारे पड़ोसन है, ऐसे नहीं बोलते किसी से। तो चिल्लाक कहती है, कमांडिंग वे में कहती है उससे, और अपने बेटे से, और तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, सेंस नहीं है, ऐसे बात करते हैं क्या किसी से ऐसे। अब जो सैरल है वो लेफ्ट की ओर एग्जिट करता है, और जो पियर्सन है वो अपना जो स्टाउट है, जो वाइन है, उसे प्रेस करती है
है ना, और अपने जो लिप्स हैं उसको स्मैक करती हैं, ठीक है, जैसे आपस में करते थे, ठीक है। अब क्या होता है, जो हैल दबाव से इंटर करता है और जो फिट्ज़रॉयल हैं वो अंदर आ गई हैं। अब वो कहती है कि कम इन फिट्ज़रॉयल, ऐसे बोलती है एनी पियर्सन। इनफैक्ट ये अब बच्चे ये जो फिट्ज़रॉयल है ये कौन है, ये जो फिट्ज़रॉयल है वो एनी पियर्सन है ना, उसकी सवाल फिट्ज़रॉयल में एनी पियर्सन की। अब वो अपनी फैमिली की हालत को देखेगी तो ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो वो बेचारी अंदर आती है ना, और वो कहती है मुझे आश्चर्य है, पता नहीं क्या चल रहा है, ये सब सही तो है ना, ऐसे बोलती है। कि सहल कहता है कि क्या बात है, क्या सही नहीं है ऐसे। तो पेशेंट बोलती है कि हाँ सब सही है, तुम चुप रहो, सहल से बोलती है। मतलब अब वो जो पेशेंट है वो बेचारी दुखी हो रही है, जो कि सच में किसके रूप में, फिट्ज़रॉयल के रूप में। अब पेशेंट क्या करती, चिल्लाती है, वो कहती है कि मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम आराम से बात क्या करो, है ना, तुम ज़्यादा बिगड़ रहे हो, ऐसे बोलती है सारे उसे। अब जो फिट्ज़रॉयल है वो कहती है अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे कहती है। और जो पेशेंट है वो क्या करती है, वो कहती है कि फिट्ज़रॉयल आप मुझे मेरी फैमिली से डील करने दो, आप बीच में आइए। जैसे मान लो कि जो फिट्ज़रॉयल उसकी साइड लेती है सारे की, तो वो कहती है लेकिन सारे तो सही कह रहा है ना। अब जो सारे है ये सब बात होती है इनमें, हम ना अब आगे से यहाँ से जो स्टोरी है उसको थोड़ा सा स्किप करते हैं क्योंकि इतना रेलिवेंट नहीं है। तो ये बातें करते हैं और वो जो फिट्ज़रॉयल साइड लेती है उनकी, है ना, पेशेंट धमकाती है उनको, उनको फटकारती है, तो वो साइड लेती है फिट्ज़रॉयल, क्योंकि इनफैक्ट वही पेशेंट है। अब होता है क्या, जॉर्ज की एंट्री होती है दोबारा, है ना, और जॉर्ज की एंट्री होती है तो तो फिट्ज़रॉयल बोलती है कि मुझे लगता है कि जो जॉर्ज है तुम, ऐसे बोलती है कि जॉर्ज, ऐसे बोलती है। तो जॉर्ज कहता है हाँ मैं जॉर्ज हूँ, ऐसे बोलता। तो फिट्ज़रॉयल बोलती है सॉरी, ऐसे मतलब मुझे माफ़ करना कि मैं आपके यहाँ पे आई, आपकी फैमिली में चल रहा है, मैं बीच में आ गई, ऐसे करके बोलती है। तो पेशेंट बोलती है कि इसका मतलब क्या है, ये क्या मैटर है, है ना, तुम्हारा नाम जॉर्ज है, पता है सबको जॉर्ज नहीं है क्या, है ना, तुमने कि तुमको किसने कहा कि तुम डी को एडिनबर्ग हो। तो जो एनी पेशेंट है वो उसके रूप में तो कहती है तुम जॉर्ज हो, मतलब तो उसे फटकारती हुई कहती है, उसे मॉकिंग वे में कहती है जो पेशेंट है कि तुम जॉर्ज ही हो ऐसे, ठीक है। तो आगे स्टोरी बढ़ती है, वो कहती है कि चल क्या रहा है, ऐसे बोलती है, फिट्ज़रॉयल बोलती है चल क्या रहा है। तो आगे से क्या होता है बच्चे, मैं आपको शॉर्ट बता दूँ इसको, जो फिट्ज़रॉयल है उनकी साइड लेती है, पेशेंट उनका प्रोटेस्ट करती है। अब वो कहती है कि सब बंद करो, तो वो उससे रहा नहीं जाता लास्ट में, जो फिट्ज़रॉयल है वो गुस्से में कहती है कि आप बंद करो, ठीक है, फिट्ज़रॉयल बंद करो, मतलब खुद फिट्ज़रॉयल कहती है फिट्ज़रॉयल बंद करो, सब काफ़ी हो गया है ना, अब ये सब कुछ इसे बंद कर दो, है ना। वो देखती है कि उसकी बेटी चिल्ला रही है, रो रही है, उसका बेटा भी टेंशन में है, उसका हस्बैंड भी दिक्कत में है, तो निराश होती है। अब क्या होता है, अब जब ये सब कहती है कि फिट्ज़रॉयल बंद करो, तो जो जॉर्ज है वो फिट्ज़रॉयल होता है, वो कहता है कि यार हो क्या रहा है घर में, जो फिट्ज़रॉयल है वो अपने आप से फिट्ज़रॉयल कह रही है कि दूसरे कह रही है फिट्ज़रॉयल कह रही है, मतलब जो फिट्ज़रॉयल है वो फिट्ज़रॉयल कह रही है पेशेंट से। तो जॉर्ज थोड़ा सा आश्चर्य पड़ा और वो कहता है कि या तो तुम दोनों पागल हो गए या मैं पागल हो गया, ऐसे बोलता है ना। अब क्या होता है, जो पेशेंट है उसकी ओर घूरती है ना, और कहती है कि मुझे अपनी फैमिली से डील करने दो, है ना। तो जो फिट्ज़रॉयल कहती है हेलो डोरिस कैसी हो, ऐसे बोलती है। तो डोरिस बोलती है, हेलो बोलती है उसे, तो ये सब उस डोरिस से बात करती है कि तुम ऐसे कैसे लग रही हो, है ना। तो पेशेंट कहती है तुम चुप रहो फिट्ज़रॉयल, मैं जो मेरी फैमिली मुझे डील करने दो, ठीक है बच्चे। तो ये सब बातें होती रहती हैं। तो लास्ट में जो फिट्ज़रॉयल और वो डिसाइड करते हैं, जो ये जो लेडी है पेशेंट, डिसाइड करते हैं कि हमें वापस चेंज होना होगा, लेकिन वो प्रोटेस्ट करती है, वो कहती है कि कुछ टाइम और ठहर जाइए, मैं तुम्हारी फैमिली को बिल्कुल सीधा कर दूंगी, ओके। लेकिन जो पियर्सन है जो कि फिट्ज़रॉयल ग्रुप में, वो नहीं मानती है, है ना, वो नहीं मानती, वो कहती है कि अभी कर दो, और मुझे ज़्यादा सहन नहीं कर पा रही मैं। तो हुआ ये, जो पियर्सन है वो, है ना, जो फिट्ज़रॉयल है उसके पियर्सन ग्रुप में, वो क्या करती है, पियर्सन के सामने उसकी फैमिली को, उसके उसके बच्चों को, उसके हस्बैंड को हर्ट करती है, उनका मजाक बनाती है।
तो उससे रहा नहीं जाता, वो कहता है, वो कहती है फिर जरल हमें वापस चेंज होना होगा, अभी चेंज होना होगा। तो पेशेंट बोलती है कि क्यों होना होगा चेंज, है ना। तो फिजल कहती है कि मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है ना, ये जो ज़्यादा मेजरेबल उनकी हालत है, मैं देख नहीं पा देख नहीं सकती इन सब को। तो ये सब बातें होती हैं और लास्ट में क्या क्या होता है कि वो जो पेतन है वो शांत होती है, लक्ष्य होती है, और फिर वो कहती है कि भाई वो कहती है कि वो सबसे कहती है कि तुम सब लोग बाहर चले जाओ, हमें कुछ बात करनी है, बाद में हम आपको सब कुछ बता देंगे। तो पेशन ने ये सब कहा उनसे, है ना, उनसे कहा कि तुम बाहर चले जाओ सबसे, जॉर्ज से, डॉरिस से और सरल से, बोल दिया वो। उन्होंने ये भी कह दिया कि कुछ टाइम बाद हम आपको बता देंगे, है ना, जब तुम इंटर करना, क्या बात है। तो ये सब हो गया। अब वो जो एनी है, जो एनी पेशन है और जो फ्रिजर है, बात करते हैं आपस में। तो वो कहती है कि काफ़ी हो गया फ्रिजर, अब बंद करो ये सब, मुझे और ज़्यादा नहीं सहन हो पाएगा, क्योंकि पेशेंट कौन है, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और अपनी फैमिली को ज़्यादा चाहती है। अगर मान लो कि आपकी फैमिली के सामने को आपके सामने कोई इंसल्ट करे तो आपको लगेगा ना बुरा हो रहा है। तो अब क्या होता है कि चलो हाँ मैं कर देती हूँ, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाओ। तो हाँ वो कहती है हाँ ऐसा ही रहेगा। अब वो कहती है कि प्लीज़ जल्दी कर दीजिए, ऐसे बोलती है। अब क्या वही पुराना जो स्पेल होता है, अब जो फिजरल है और एनी पर्सन है वो आपस में अपने एक दूसरे के हाथ को ग्रैप करते हैं, और फिर वो वही वाला जो डायलॉग बोलती है, वही वाला जो स्पेल बोलती है, अशट्टा डम, ठीक है, लम अशट्टा लम डम बौना, ये बोलती है वो, ये कोई स्पेल बोलती है। फिर क्या होता है, वो दोनों दोबारा से, वो बिल्कुल ही जैसे मान लो कि बिल्कुल ही कमज़ोर से होते हैं दोनों लेडीज होती हैं, दोनों कमज़ोर होती हैं, बहुत ही रिलैक्स होती हैं, और बाद में वो रिलैक्स होती हैं। इसके बाद क्या होता है बच्चे, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, है ना, उनकी पॉलिसी हो गई है, मतलब कहने का ये, जो पीएसएन है पीएसएन हो गई है और फ्रिजल हो गई है, है ना। अब चेंजिंग कुछ नहीं है, अब सीधे हम देखेंगे कि अब लास्ट में एंड आने वाला चैप्टर का, अब पेशन पेशन है और जो फ्रिजल है ना, क्योंकि जो फ्रिजल ने पेशन बन के उनके घर उसके घर पे उसकी फैमिली को डील किया, उनको सुधारा, मान लो ये मान लो। अब क्या होता है, ये सब कहती है कि वो समझाती है उसे कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ना पेशन, अब आप ज़्यादा मॉडरेट मत होना और अपनी फैमिली को ढंग से डील करना, और मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसे बोलती है वो भी। अब वो कहती है फिजल तुम बहुत ज़्यादा टफ रहना और बहुत ज़्यादा मॉडरेट मत बनना, है ना, कहीं बन जाओ। और पेशेंट बोलते हैं कि हाँ चलो मैं कोशिश करूँगी मैं, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड तो नहीं है, तुम्हारे बच्चे तो नहीं है, तुमने तो सब कर लिए, तुमने तो उन्हें फटकार दिया, उन्हें हर्ट किया, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगी ऐसा। तो अब एंडिंग होती है, तो वो एजर करती है उसे, मतलब जो पेशेंट एजर करती है कि मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा पहले से ना हूँ और मैं स्ट्रिक हो जाऊँ, है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि जो फिटजरल है वो उसे लास्ट में बाय बोलती हुई अपने घर की ओर जाती है, उसे खड़ी होती है और बोलती है, दरवाजे को जाती हुई कहती है ध्यान रखना, है ना, डोंट बी सो हम्बल फॉर दैम, उनके लिए ज़्यादा हम्बल मत बनना और थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहना। तो वो बोलती है हाँ मैं स्ट्रिक्ट रह लूँगी। तो अब क्या होता है कि अब एंडिंग में क्या होता है, जॉर्ज और सरल हैं, है ना, वो जो डोर है वहाँ से आते हैं और उसके पास आते हैं, जो एनी पेशेंट उसके पास आते हैं। तो अब जो फैमिली है वो सब लोग साथ में हैं और एंडिंग से आ रहा है, ठीक है। तो पेशेंट बोलती है, वो कहती है कि जैसे वो आते हैं तो इस्तेमाल करती हैं, उनकी रो भी इस्तेमाल करते हैं। तो डॉरिस थोसी एनजी से होते बोलती है, यस मदर, ऐसे जैसे बात करती है ना। वो कहती है कि हम लोग अपने आप को इन्जॉय करेंगे, तो वो हमें हाँ बोलते हैं, लेकिन जो फ्रिजल फिर भी वॉर्न करती है कि ध्यान रखना, रिमेंबर, ऐसे बोलती है रिमेंबर। तो अब क्या है, पेशन नॉडिंग करती है, हमें हमलाती है, कहती है कि हाँ मैं ध्यान, मुझे ध्यान है, सब कोई सब कुछ ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जॉर्ज क्या कहता है, लास्ट में जो पेशन कहती है कि हमारी फैमिली काफ़ी अच्छी है और हम लोग क्या है आज जो रमी खेलेंगे, रमी का गेम खेलेंगे, हैं, और बच्चों से बोल दिया, ये बोल दिया कि जो हमारी फैमिली है काफ़ी अच्छी फैमिली है, एनी बोलती है, और हम लोगों क्या है कि अब आज हम गेम खेलते रमी खेलते हैं।
बच्चे से बोल दिया कि आप जाओ, वो कहती है तुम जाओ और हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम जो तुम खाना बनाओ और मैं और तुम्हारे पापा बात कर रहे हैं आपस में। तो साहिल बोलता है जल्दी से, हाँ ये सही बात है, ऐसे बोलता है, मतलब उसे लगता है कि मॉम मॉडर्स हो गई हैं, पहले से बिहेव कर रही हैं। अब डॉर्श के हेजिटेट होती है, कहती है हाँ चलो सही है मैं जा रही हूँ, ऐसे बोलती है। अब मिसेज पियर्सन है वो शार्पली बोलती है कि भाई क्या बात है, तो डॉर्श बोलती है कि हाँ आई थिंक मुझे लगता है कि ये सही रहेगा, हम लोग गेम खेलेंगे, हम खाना बना लेंगे और ये सब होता है इनमें। अब जो पियर्सन है वो स्माइलिंग करती है और गुड बाय बोलती है किसको, फिट्ज़गेराल्ड को, है ना, और वो कहता है कि जल्दी आना वापस, ऐसे बोलती है अपनी पर्सन को। अब क्या होता है बच्चे, अब क्या होता है जब फिट्ज़गेराल्ड कहती है हाँ मैं वापस आऊँगी, जल्दी आऊँगी डियर, और ऐसे ऐसे बोलती है हैव अ नाइस डे नाइस टाइम, ऐसे मतलब कि अपने टाइम को इन्जॉय करो और ऐसे करके बोलती है। अब होता है लास्ट में क्या होता है, जैसे ही वो जो फिट्ज़गेराल्ड है वो वहाँ से निकलती है, घर से निकलती है, तो जो फैमिली है वो चारों जो सबरे जो मेंबर्स हैं वो जो मिसेस पियर्सन है उसके सामने उसकी चारों ओर वो इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है बेटा, लास्ट में जो सब लोग हैं, डॉरिस है और सारल है और उसका हस्बैंड है एनिका, वो साथ में सब लोग बैठते हैं और अपने आप जैसे आप बातें करते हैं, है ना, और अपने आप से बातें करते हैं, प्यार से बातें करते हैं और एक दूसरे की बातें सुनते हैं। पहले ये नहीं था, अब यहाँ पे क्या होता है जो कर्टन है वो गिरता है, इट मीन्स जो हमारा जो प्ले है वो ख़त्म हो गया, ड्रामा ख़त्म हो गया है। तो समझ में आए बच्चे, फिर भी कोई एक चैप्टर, ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, हमने इसको चार पार्ट में कवर किया है और कुछ हमने जो इसके जो अनरेलीवेंट पॉइंट है वो हमने इसके भी कर दिए, खासकर लास्ट के वीडियो में। तो फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो बच्चे आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।